नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 100 रुपए से म्यूचुअल फंड में SIP कैसे कर सकते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि आप 100 रुपए से SIP कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लें तो उसके बाद आपको सबसे नीचे 4 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, पे, लोन्स। तो आपको म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देना है। जब आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने म्यूचुअल फंड वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको उन म्यूचुअल फंड को चूज करना जिन म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए से SIP कर सकें, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। हर म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए से SIP नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी म्यूचुअल फंड में मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपए होता है, फिर 1000 रुपए होता है, जिस कंडीशन में आप 100 रुपए से SIP नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर हमने ऑल म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर दिया है। तो यहां पर अगर मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को ओपन करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपीज़। यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। पर लेकिन जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि मैं आपको 100 रुपये से SIP करने के बारे में बताऊंगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 100 रुपये से SIP करने के लिए। सबसे पहले आपको उन म्यूचुअल फंड को फाइंड करना जिन म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से SIP कर सकें। तो आपको यहाँ पर SIP 500 नज़र आ रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वह म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जिन म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से SIP कर सकते हैं। तो मैं इन म्यूचुअल फंड को ओपन करके एक बार बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं ये फर्स्ट म्यूचुअल फंड को ओपन करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये से आप SIP कर सकते हैं। अगर मैं HDFC के इस म्यूचुअल फंड को ओपन करूंगा तो यहाँ पर भी जो मिनिमम SIP अमाउंट है वो 100 रुपये है। और अगर मैं और भी म्यूचुअल फंड को ओपन कर दूं, जैसे इसको ओपन करूंगा, तो यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में, मतलब कि पहले चेक करना पड़ेगा कि वह म्यूचुअल फंड आपको परमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है 100 रुपये से SIP करने के लिए, तभी आप उसमें SIP कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले म्यूचुअल फंड को ओपन कर लेता हूँ और इसमें बताता हूँ कि आप इसमें 100 रुपये से SIP कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP करने की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड के जो रिकॉर्ड वगैरह है उसे चेक कर लें कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ समय में कितना क्या रिटर्न दिया। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप इस म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं 100 रुपये से, तो आपको इसके रिटर्न वगैरह को चेक कर लेना है। पिछले 5 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम इसने कितना रिटर्न दिया है। तो इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ समय में, और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह म्यूचुअल फंड और अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पर रिटर्न वगैरह देखने के बाद आप इसका NAV चेक कर सकते हैं। इसका NAV 272 रुपये है, इसकी रेटिंग वगैरह भी नॉट अवेलेबल है, इसका जो मिनिमम SIP अमाउंट है वो यहाँ पर 100 रुपये है, जो इसका फंड साइज़ यानी कि इस म्यूचुअल फंड में अभी तक टोटल कितने रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं 27,745 करोड़। और अगर हम नीचे जाएंगे तो आप इसकी होल्डिंग्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर हैं उसने कौन कौन सी कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यूचुअल फंड के पैसों का, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यह वह कंपनियाँ जो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है इन कंपनियों में, तो आप यहाँ पर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड। तो आपको क्या इनको भी चेक करना है किसी म्यूचुअल फंड में SIP करने से पहले। तो जब भी अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में SIP करें तो आपको एक्सपेंस रेशियो चेक कर लेना है। जो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो 0.83% है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होता है तो वह अच्छा माना जाता है। आप इसका एग्जिट लोड वगैरह भी देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर पैसे विड्रॉ करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। आप इसका टैक्स वगैरह की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि हमें इस म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ करने पर कितना क्या टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप फंड मैनेजमेंट की, जो मतलब कि कौन कौन इस म्यूचुअल फंड को संभाल रहे हैं, उनके यहाँ पर नाम भी दे रखे हैं जो म्यूचुअल फंड मैनेजर वगैरह हैं। तो आप यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने बिल्कुल फाइनल कर लिया है कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़, यानी कि आप इस म्यूचुअल फंड में 100 रुपये से SIP कर सकते हैं। और यह म्यूचुअल फंड आपने चेक भी कर लिया है कि हाँ यह म्यूचुअल फंड अच्छा है, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको सबसे नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्टार्ट SIP, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है SIP, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड का नाम लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है कि आप कितने रुपए से SIP करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 100 रुपए से SIP करेंगे, तो हमें यहाँ पर 100 रुपए डाल देना है।
तो जैसा कि मैंने यहाँ पर 10 रुपये डाला, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 100 रुपीज़। तो यहाँ पर हम 100 रुपये डाल देते हैं। फिर इसके बाद आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी है कि जो आपकी SIP है वो आपके बैंक अकाउंट से कब कट जाया करे। तो यहाँ पर SIP डेट करके लिखा हुआ है 24th ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की 24 तारीख को आपके अकाउंट से जो SIP है वो कट जाया करेगी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको इसके कैलेंडर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा चूज़ SIP इंस्टॉलमेंट डेट। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से डेट चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि जो आपकी SIP है वो 10 तारीख को कट जाया करे, तो आपको 10 पर टिक कर देना है और अपडेट पर क्लिक कर देना। जब आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर 10th ऑफ एवरी मंथ लिखा आ जाएगा, यानी कि जो आपकी SIP है वो हर महीने की 10 तारीख को कट जाया करेगी आपके बैंक अकाउंट से और इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाया करेगी। अब हम बात करते हैं कि आप अपने पेमेंट को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं अपना जो पेमेंट करता हूँ वो गूगल पे से करता हूँ, इसलिए यहाँ पर जीपे का ऑप्शन डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है। पर लेकिन मैं आपको इस पर क्लिक करके यह बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से पेमेंट ऑप्शन नज़र आएंगे पेमेंट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पेमेंट ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे जिनसे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने अपने फ़ोन में गूगल पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर गूगल पे का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आपके फ़ोन में पेटीएम या फ़ोन पे इंस्टॉल होगा तो आपको उनका ऑप्शन भी नज़र यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अदर UPI ऐप, न्यू UPI ID और यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, इनके थ्रू अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी के समय में सबके पास UPI मतलब मौजूद रहता है, तो आप UPI की मदद से बहुत ही आसानी से अपना पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिस भी UPI से अगर आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको उसकी मदद से अपना पेमेंट कंप्लीट कर देना है। अगर मान लीजिए कि मैं गूगल पे से अपना पेमेंट कंप्लीट करना चाहता हूँ तो मैं पे 100 पर क्लिक करूँगा और पे 100 पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे नंबर पर एक OTP आएगा, मुझे उस OTP को डाल देना जिससे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर गूगल पे के पेज पर मुझे यह जो ग्रो एप्लीकेशन है वो ले जाएगा और गूगल पे से मुझे अपना पेमेंट को कंप्लीट कर देना है अपना पिन वगैरह डालकर, और जैसे ही वहाँ से पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमारी SIP है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है जिस तरीके की मदद से आप अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है उस प्रोसेस की मदद से आप 100 रुपये से इस म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आप म्यूचुअल फंड में 100 रुपये से SIP कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको म्यूचुअल फंड को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड में आपको परमिशन नहीं दी जाती है 100 रुपये से SIP करने की। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि आपको परमिशन देते हैं 100 रुपये से SIP शुरू करने की, तो आप उन म्यूचुअल फंड की मदद से 100 रुपये से अपनी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।